इलेक्ट्रिक बाइक्स। हर कोई डिमांड कर रहा है आज के इलेक्ट्रिक बाइक। स्कूटर्स तो काफ़ी ज़्यादा आ गए, लेकिन बाइक्स का क्या? अब बारी आ गई है बाइक्स के लॉन्च होने की, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड प्योर ईवी ने अपनी बाइक लॉन्च कर दी है द ई-ट्रस्ट, जिसका हम राइड रिव्यू आज करने वाले हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी रेंज, इसकी टॉप स्पीड, इसके कम्फर्ट, इसके हैंडलिंग और सब कुछ। सब कुछ मतलब सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम चलाने वाले हैं द ऑल न्यू प्योर ईवी ई-ट्रस्ट इलेक्ट्रिक बाइक, जिसकी एक्सेलरेशन कमाल की है। शहर में चलाने में कैसी है? इस सवाल का जवाब तो आपको वीडियो के एंड तक मिल ही जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। शुरुआत करते हैं इसके राइड रिव्यू से। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कंफर्ट के बारे में। तो सीट की जो विड्थ है आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बट हाँ थोड़ी और बेटर हो सकती थी। कंफर्टेबल वाइज कैसे कोई दिक्कत नहीं आती, आपको काफ़ी कंफर्टेबल एक व्हीकल मिल जाता है। हैंडलिंग बढ़िया है, हाथ आपके जल्दी नहीं दुखते हैं। ब्रेक्स की अगर बात करो तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से लग जाती है, बाइट पूरी है ब्रेक्स में। जो राइट साइड यानी कि फ्रंट टायर वाली ब्रेक है वो थोड़ी सी आपको विड्थ वाइज थोड़ी चौड़ी लगेगी, तो आपके फिंगर्स पूरी ग्रिप नहीं बना पाते हैं उस पर, बट ओवरऑल बढ़िया रहती है। सस्पेंशन की अगर बात करो तो वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है, थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर है, मतलब बहुत बैलेंस्ड है। अगर ज़्यादा स्टिफ होती तो भी प्रॉब्लम आती, सॉफ्ट ज़्यादा होती तो आपको कंफर्ट अच्छा नहीं मिल पाता और उस टाइम पे आपको हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाती। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो आपको एक बढ़िया हैंडलिंग मिल जाती है यहाँ पर, और साथ साथ बढ़िया ब्रेकिंग भी। डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाती हैं फ्रंट और रियर दोनों साइड में, उसका एक आपको एडिड बेनिफिट ज़रूर होगा फॉर श्योर। और अगर हम इसके अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो सब कुछ वेल विद इन द रीच है, वहाँ पर भी आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आता है। अच्छी चीज़ मुझे लगती है इसकी ये डिस्प्ले, काफ़ी ब्राइट और काफ़ी विजिबल है, हर एक चीज़ आपको बहुत इजीली यहाँ पर दिख जाती है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। विजिबिलिटी वाइज भी आपको जो ओवर व्हीम्स हैं, अब आउटसाइड तो क्या ही, वैसे रियर व्यू मिरर्स ही हैं, जो मिरर्स हैं तो उसकी जो शेप है, साइज़ है, उससे आपको काफ़ी बढ़िया एक एक्सपीरियंस मिल जाता है देखने को। पीछे आपको विजिबिलिटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। राइडिंग कंफर्ट की मैं ओवरऑल बात करूं तो चलाने में गाड़ी को मज़ा ज़रूर आता है, हैंडलिंग बहुत प्यारी है, और मेन बात होती है इसकी एक्सेलरेशन की। अब कंपनी क्लेम करती है 140 किलोमीटर्स की रेंज, जो कि एक अच्छी अमाउंट ऑफ रेंज है। कम स्पीड में भी आप इसको, जब कम टॉप स्पीड पर यानी कि 40-50 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड पर आप इसको 140 किलोमीटर्स की रेंज आराम से लेके आ सकते हैं। राइट साइड से मोड चेंज करने पर आपकी जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाती है 50-60 किलोमीटर्स पर आर की से हो जाती है, जिससे आपकी रेंज थोड़ी सी कम होगी 120 किलोमीटर्स की। लेकिन अगर आप उतना करोगे तो, अगर नहीं कर रहे हो, स्पीड ज़्यादा नहीं दे रहे हो, तो आपको रेंज अच्छी मिली जाएगी। मेन होती है एक्सप्रेशन की, तो वो आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिल रही है, इलेक्ट्रिक बाइक में। इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छी आपको एक्सप्रेशन जो है वो मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि बाइक है, बाइक की ब्रेक नीचे नहीं है, ये लेफ्ट साइड पे ही है, जैसे आपकी एक्टिवा वगैरह की होती है। तो ध्यान रखेंगे जब आप इस ब्रेक को थोड़ा सा भी दबाएंगे तो रेस देंगे तो वो पूरी रेस नहीं देगा, तो ऐसा लगेगा कि वो झटके दे रही है। बट अगर आप नॉर्मली इस पूरी ब्रेक को छोड़ देंगे और रेस देंगे तो वो प्रॉपरली चलेगी, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिस वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, ये एक मैनुअल ब्रेक नहीं है। दिस वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, तो आपको उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि थोड़े से प्रेस पे भी ये पूरी ब्रेक लगा देता है और फिर ये झटके मारेगी इस तरीके से, जैसे अभी ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही है। तो अगर मैं ब्रेक से हटा लूँगा तो कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। सबसे बढ़िया लगता है मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिप जैप जूम फीचर, यानी कि आप ट्रैफिक से बहुत ईजिली फटाफट आगे निकल जाते हैं, आपको उस तरफ कोई दिक्कत नहीं आती है। ईजी टू ड्राइव, ईजी टू मैनूवर फॉर श्योर, एंड फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको 100% यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि ओवरटेक करके निकलने में मज़ा आता है, पूरा मज़ा आपको आता है ओवरटेक करके निकलने में, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। एंड फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको मिलता है, एक थ्रिल आपको ज़रूर रहेगा। और ये तो अभी फर्स्ट मोड है, ऐसी थर्ड मोड पे कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छी एक्सप्रेशन मेरे को मिल जाती है, जिससे आपको किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, एंड इट फील्स रियली रियली गुड। अगर ओवरऑल मैं राइडिंग क्वालिटी को स्कोर दूँ तो 9 out of 10, थोड़ा सा कम्फर्ट और बेटर हो सकता था, सस्पेंशन इज़ गुड इनफ। और आप सोच रहे होंगे कि जो इस बाइक का टायर है वो थोड़ा सा छोटा है विड्थ में, जो कि है भी, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। आपको कंफर्ट भी अच्छा मिल रहा है, हैंडलिंग भी अच्छी मिल रही है, और रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी अगर इसका टायर जो है वो विड्थ में थोड़ा छोटा है। इस बाइक की बढ़िया चीज़ सबसे ज़्यादा यही है कि इसकी एक्सेलरेशन बहुत प्यारी है,
अभी सेकंड मोड पर है, यानी कि जहां पर मुझे 60-65 किलोमीटर आर की पर टॉप स्पीड मिलेगी। बट आप सब तो जानते ही हैं, शहर में 60 किलोमीटर की स्पीड भी बहुत मुश्किल से अचीव होती है। मेन होती है एक्सप्रेशन, वो आपको टॉप नॉच मिल जाती है। फन टू ड्राइव एलिमेंट पूरा है, मज़ा आता है इस व्हीकल को चलाने में। खड्डों में निकालेंगे तो सस्पेंशन टेस्ट भी पूरा हो जाता है, जो कि एक अच्छी सस्पेंशन है। थोड़ी बेटर होती तो अच्छा लगता, जो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही होगी वो आ रही है इसकी चाबियों की, जो ये खड़ 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 करेंगी थोड़ा सा। हाँ, क्वालिटी वाइज प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती थी, लेकिन प्राइस को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक ठीक है, बढ़िया है। यूजुअली गाड़ियों में होता है रीजनरेटिव सिस्टम, यहाँ पर बाइक पे भी दिया गया, यानी कि जब आपकी थोड़ी सी ब्रेक लगेगी तब जो एनर्जी है वो जनरेट की जा रही है वो वापस बैटरीज में जाएगी, उसको चार्ज करेगी, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। इससे आपकी जो लाइफ है वो और बढ़ जाती है, आपकी जो रेंज है वो और बढ़ जाती है आपकी बैटरी की। बैटरी की रेंज बढ़ने का मतलब है कि आपको अच्छी खासी रेंज मिलेगी काफ़ी कम प्राइस में। और क्या सिर्फ 3.5 आपको यूनिट्स लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें आप उसको चार्ज करके 140 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर सकते हैं। यही अगर आपको पेट्रोल से करनी हो तो 300 रुपीज़ का पेट्रोल आराम से लग जाएगा आपका। बाइक को मैन्यूवर करने में भी आपको किस तरह का कोई इशू नहीं आता, टर्न्स लेना इज़ रियली इजी। चलाने में इस व्हीकल को काफ़ी मज़ा आता है, आपको किस तरह की प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आती है। 120 kgs का इसका जो वेट है वो भी ज़्यादा नहीं है, अगर किसी के बिल्ट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा वीक है, बच्चा कह लो या कोई भी, और इवन गर्ल्स के लिए कोई मेल है, लड़का है जो अभी नया नया जवान हुआ है, 18-19 ईयर्स का हुआ है अभी, जिसको अपने व्हीकल गिफ्ट करना है या दे सकते हैं पेरेंट्स, तो उनको चलाने में दिक्कत नहीं आती, बिकॉज ईजी टू मैन्यूवर है, वेट ज़्यादा नहीं है, तो आपको बैलेंसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। इट लुक्स रियली फील्स रियली लाइट एंड ईजी टू ड्राइव, ईजी टू राइड, कंफर्टेबल भी पूरी है। LED ऑल LED सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अंधेरे में भी आपको बढ़िया एक विजिबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। अच्छी चीज़ लगती है इसके ये LED DRLs, ये जो DRLs हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको, एंड रात में भी दिन में भी। और ये देखो स्टंटिंग चल रही है पूरी साइकिल के साथ, नेवर माइंड। तो ये DRLs आपको डेफिनेटली अच्छी लगेंगी, प्योर EV के बैच के साथ इसका नाम भी बहुत अच्छा लगता है। एंड चलो अब राइड की अगर हम बात कर रहे हैं, तब आपको एक्सप्रेशन वाइज भी कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। इलेक्ट्रिक को लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोग पूछते हैं इवन गाड़ियों में भी कि यार रेंज तो हमें ठीक है अच्छी मिल गई, फ्यूल एफिशिएंट भी है, लेकिन और बेनिफिट क्या? तो वो होता है इसकी एक्सप्रेशन, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और ईजी बहुत होती है। पिकअप करना इसको बहुत बढ़िया रहता है और आप बहुत ही ईजीली किसी भी जगह से बड़ी फास्ट तरीके से निकल सकते हैं। चलाने में भी गाड़ी को काफ़ी मज़ा आता है। नज़दीकी शोरूम जाए, इनका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। प्राइस लिस्ट में यहाँ पर आपके लिए लगा देता हूँ, फॉर श्योर एक कंसिडरेबल व्हीकल है यहाँ पर ये प्योर EV के e-Trust। तो ये था मेरी तरफ से e-Trust के बारे में डिटेल रिव्यू। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की, इसका वॉक अराउंड जो है वो भी हमारे चैनल के ऊपर बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, रेंज टेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी हैं ना उनका रेंज टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए भी लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है मेरे को और मेरी पूरी टीम को। इसलिए कहता रहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाउ क्वेश्चन ये था कि क्या हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रेडी हैं क्या नहीं, तो मेरा हिसाब है कि हाँ, टू व्हीलर्स के लिए तो डेफिनेटली रेडी हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे व्हीकल्स आप स्कूटर के तौर पे प्योर EV की देख सकते हैं, उन्हें चेकआउट ज़रूर कर लें। और मैं आपको मिलूंगा अब अगली व्हीकल के रिव्यू के साथ, प्रॉपर वीडियोज़ के साथ, तो चैनल के साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।